मुंबई में आंबेडकर स्मारक बनाने का रास्ता साफ। दादर में इंदू मिल की 12 एकड़ जमीन राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी है। करीब 425 करोड़ की लागत से बनेगा स्मारक। समाज सेवी अन्ना हजारे ने सरकार से ईवीएम मशीन की जगह टोटलाइजर मशीन से वोटिंग कराने की मांग की। कहा ईवीएम से वोट करने वाले की पहचान जाहिर होने का डर। महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष गुड़ी पाड़वा की तैयारी शुरू। गुड़ी पाड़वा कल मनाया जाएगा। नासिक में 200 फीट की रंगोली बनाई गई है जिसे देखने के लिए लोग जुट रहे हैं। पाकिस्तान ने गुजरात के 100 से ज्यादा मछुआरों को पकड़ा। 19 बोट भी जब्त की। कच्छ के समुद्री तट से मछली पकड़ने निकले मछुआरे पाकिस्तान की सीमा में चले गए। गुजरात के अहमदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर मारपीट के विरोध में हड़ताल पर गए। एक मरीज की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर से हाथापाई की थी। 29 मार्च को गुजरात जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। 30 मार्च को विधानसभा सत्र में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद की नारनपुरा सीट से विधायक हैं शाह। पिछले शुक्रवार को गुजरात की बीजेपी सांसदों के साथ पीएम ने बैठक की थी जिसमें गुजरात चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई थी। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात के पाटन में शनिवार को हुई दो पक्षों के बीच सांप्रदायिक झड़प में एक शख्स की मौत 40 घायल। नाराज लोगों को 20 से ज्यादा वाहनों ने को आग लगाई। दरअसल 10वीं की परीक्षा देने आए दो समुदायों के दो छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। लड़ाई को देख बाकी के छात्र भी इस लड़ाई में कूद पड़े और हंगामा शुरू हो गया। गोवा में 58 साल के ब्रिटिश शख्स की जिम में संदिग्ध मौत। जिम में एक्सरसाइज करते हुए बेहोश हो गया था पॉल गेट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।